वेलकम टू लॉ एंड जीके। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो, आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज फॉर ADA डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। एंड एट प्रेजेंट वी आर डूइंग द पंजाब ADA प्रीवियस ईयर पेपर्स। एंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस द पंजाब ADA 2018। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पंजाब ADA का 2016 का पेपर 1। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड एंड में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पर उनको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं फुल डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन ट्विटर, टेलीग्राम एंड फेसबुक। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर। देखिए कुछ इस तरीके से आता है एग्जाम पेपर। देखिए यहाँ पर जो है अपना कैंडिडेट नेम लिखना है, ठीक है, फिर फादर्स नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कैटेगरी कोड लिखना है यहाँ पर, बुकलेट सीरीज ये है ए, फिर यहाँ पर OMR शीट नंबर भरने हैं इधर, ठीक है, फिर रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर साइन कर देने हैं। एंड आप इसमें ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं 90 मिनट्स के, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखिए लिखा हुआ नो नेगेटिव मार्किंग, और 1.5 मार्क्स जो है मिलेगा आपको पर क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एन ऑर्डर अगेन न्यूसेंस इज पास अंडर सेक्शन 133 एंड 144 CRPC बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM। द नेचर ऑफ ऑर्डर बोथ सेक्शन इज, बोथ आर एब्सोल्यूट ऑर्डर, या फिर 133 इज एब्सोल्यूट, 144 इज कंडीशनल, 133 कंडीशनल व्हाइल 144 इज एब्सोल्यूट, या फिर बोथ आर कंडीशनल ऑर्डर्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी इज द आंसर, ऑर्डर 133 इज कंडीशनल व्हाइल 144 इज एब्सोल्यूट। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये मैं इन्हीं सेक्शंस में लिखा हुआ है CRPC में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये जो 4 हैं ये लीगल मैगजीम्स हैं, ये इनके जो है मीनिंग्स हैं, ये आपने मैच करने हैं। तो एक्टस क्यूरियन नेविनम ग्रावाबिट मतलब एक्ट ऑफ कोर्ट शैल नॉट प्रेजुडाइस एनी वन, तो ए का हो गया 3। इम्पोन्शिया एग्जुकेसेट लीगम, इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूजेस द लॉ, तो 2 का हो गया 4। फिर नीमो डेबिट टैसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कोजा नो मैन, नो मैन कैन जज हिज ओन केस, 3 का हो गया 1। एंड 4 का क्या रह गया फिर? ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, तो 4 का हो गया 2। तो क्या बन गया अब? 3, 4, 1, 2, D इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ CRPC एम्पावर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस सेशन टू रिलीज अ पर्सन बाय एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट शोर्टीज और विदाउट फॉरवर्डिंग द अक्यूज्ड टू द मजिस्ट्रेट इन एब्सेंस ऑफ सफिशियंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इट इज सेक्शन 169A इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच सेक्शन इन CRPC मेक क्लियर दैट बिसाइड द कैटेगरी ऑफ एविडेंस मैंशन इन दो सेक्शन नो अदर एविडेंस कैन बी एड्यूस्ड बाय द एविडेंस। ये कहाँ लिखा हुआ है? 295-296 में। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन 162। स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड टू द पुलिस इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज पार्टली एडमिसिबल, पार्टली इनएडमिसिबल। ये क्या मतलब है भाई? नो, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ ऑफेंस द प्रोविजन ऑफ 29 एविडेंस एक्ट। नो, प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन टू द अक्यूज रिगार्डिंग द स्टेटमेंट मेड बाय हिम एक्सटेंड्स ओनली इन क्रिमिनल इंक्वायरी और ट्रायल और इट हैज़ नो एप्लीकेबिलिटी इन सिविल और रिट प्रोसीडिंग्स। तो दिस इज ट्रू, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 6। अनिल इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ रमेश ओझा ऑन 21 जनवरी 1982। इन द फैक्ट मर्डर्ड पर्सन नेम वॉज कमलेश ओझा एंड द डेट ऑफ मर्डर वॉज 20th January 1982। Anil was never charged with any murder but one and heard the inquiry before magistrate which referred exclusively to the case of Kamlesh Ojha. Will the court infer from this while applying section 215 CRPC that Anil was not misled and that the error in charge was immaterial? So, iska answer kya rahega? A is the answer. ये क्वेश्चन जो है DGS के प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, DGS में जो क्वेश्चन था ये यहाँ से लिया गया था।
ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अमित एंटाइसिस भूमि द वाइफ ऑफ चंदन अवे फ्रॉम चंदन विद इंटेंट टू कमिट एडल्ट्री विद भूमि एंड देन कमिट्स एडल्ट्री ऑन हर अप्लाइंग सेक्शन 220 ऑफ सीआरपीसी. अमित मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन. और देखिए ये इनडायरेक्टली देख सेक्शन पूछे यहाँ पर, देखिए 495 लिखा है, फिर 495 96 96 97 या 97 98. तो एडल्ट्री के लिए कौन सा है 97 98, तो आंसर क्या रहेगा डी. इनडायरेक्टली आईपीसी का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर. नेक्स्ट है 8. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट डिफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 275 सीआरपीसी इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल और पॉसिबल फेलियर ऑफ जस्टिस इज क्योरेबल अंडर सेक्शन 464 एंड 465 सीआरपीसी. द केस वाज अब्दुल रहमान वर्सेस एम्परर. सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर एनी अपील और पर्टिकुलर केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर और फ्रॉम अ क्रिमिनल कोर्ट सुबॉर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इक्वल और सुपीरियर ज्यूरिडिक्शन सुबॉर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट ओनली द एप्लीकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और अ पार्टी इंटरेस्टेड. सेक्शन इज सेक्शन 406. ए इज द आंसर. इसी क्वेश्चन नंबर 10. विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू रिजोल्व द डिफिकल्टी दैट मे अराइज वेयर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट सिचुएटेड इन डिफरेंट एरियाज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन अक्यूज्ड फ्रॉम गेटिंग ऑफ. तो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है सेक्शन 178. बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. द प्रिंसिपल ऑफ इशू एस्टॉपल इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड टू बार अ सब्सिक्वेंट ट्रायल अंडर सेक्शन 300. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 307 पार्डन कैन बी टेंडर्ड टू द अप्रूवर ओनली ड्यूरिंग द ट्रायल बट नॉट बिफोर ट्रायल. नो दिस इज इनकरेक्ट. Magistrate has jurisdiction to ask person to furnish bail even against whom the order under section 311 has been made. No, this is wrong. The medical examination mentioned of body like shin or any other visible body part does not include internal organ. ये भी जो है correct नहीं है. इसका आंसर क्या रहेगा? A. A is the answer. Next है question number 12. Section 111 of IPC deals with punishment फॉर अबेटमेंट या फिर लाइबिलिटी ऑफ अबेटर वेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. सेक्शन 510 आई पी सी डील्स विद मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन. ए इज द आंसर. और इसमें पनिशमेंट कितनी है? 24 आवर्स की जेल है या फिर 10 रुपये का फाइन है. इस क्वेश्चन नंबर 14. फॉर यू सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ ए रॉयट केस द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव. क्या प्रूव करना होता है? दैट अ पर्सन हैड कॉमन पर्पस, दैट देर वर फोर और मोर पर्सन, दैट वायलेंस वॉज यूज बाय देम, दैट दे हैड नो इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग ईच अदर. तो कौन सा होगा? 1 and 3 ओनली. सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में 15. विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 216A ऑफ आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. Public servant disobeying the direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture या फिर penalty for harboring robbers. B is the answer. Next is 16. In which of the following case section 303 was held void and unconstitutional? A is the answer. Meet of the state of Punjab. Same question was asked in same paper of Punjab ADA 2018 paper 1. आप वो देख सकते हैं वहाँ पर पूछा गया है same question. Next is 17. Intercourse by a man with his wife during separation is dealt under 376B. C is the answer. Next is 18. The president of pharmaceutical company was questioned for introducing into interstate commerce drugs that were misbranded. The president pleaded lack of knowledge of this fact. Ab is kya hoga? The president must be convicted. A is the answer. Next question number 19. In a case, Pramila, a married woman, found in a pool of blood lying on the ground on the way to hospital in ambulance, she breathed last. It transpired in her hands that when Pramila was seated outside her juggi, her brother Chetan came near her and challenged as to why she made a
कंप्लेंट अगेंस्ट हर ओन ब्रदर रमेश टू द पुलिस. हर अदर ब्रदर रमेश एंड शानू ऑल्सो केम. देर वॉज एन ऑल्टरकेशन वेर इन शानू वॉज स्टैब्ड हर टू डेथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस. स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं बहुत सारी कि बाई की रिसलेबिलिटी है क्या रमेश की यहाँ पर एंड चेतन की जो शानू ने किया, या फिर शानू हैड नॉट गिवन एनी कॉल टू हिज ब्रदर दैट शुड बी स्टैब्ड टू डेथ. सी द वर्ड यूज बाय चेतन वर्ड टू टीच प्रमिला ए लेसन फ्रॉम मेकिंग फॉल्स एक्यूजेशंस. फिर है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस देयर इज नो रीजन टू रोप चेतन एंड रमेश बाय एड ऑफ सेक्शन 34 आईपीसी दे वर एक्विटेड. अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि भाई वो जो तीनों जो आए हैं वो विद कॉमन इंटेंशन आए हैं, तो यहाँ पर 34 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा. डी इज द आंसर. ऐसे क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द FIR. FIR इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कम्युनल लॉ एंड मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग. नो, इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग जो जरूरी नहीं है, आप जो है वर्बली दे सकते हैं, फिर जो पुलिस ऑफिसर है वो इसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में. ठीक है, तो ये गलत है. इज ऑल्सो रॉन्ग. सी इज करेक्ट. सो सी इज द आंसर. ऐसे क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ओनली या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एज वेल एज प्रोसीडिंग्स ऑफ डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल्स. नो, ओनली टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सीआरपीसी, द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एम्बॉडीज द कॉमन लॉ प्रिंसिपल दैट डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एक्विट एंड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट कॉन्विक्ट. सो सेक्शन 300. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 23, विच सेक्शन सीआरपीसी कन्फर्स वाइड डिस्क्रिशनरी पावर ऑन कोर्ट टू समन एनी पर्सन एज ए विटनेस और टू एग्जामिन एनी पर्सन हु इज प्रेजेंट दो नॉट समन और रिकॉल्ड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन. दैट इज सेक्शन 311. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 24, नेगलिजेंट कंडक्ट विद एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इज डेल्ट अंडर सेक्शन ऑफ आईपीसी. दैट इज सेक्शन 286. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 25, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल गिवन अंडर सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट. दैट इज सेक्शन 32. 60 में क्या लिखा हुआ कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, बट 32 में डाइंग डिक्लेरेशन होती है, तो हियर दैट एविडेंस कैन बी गिवन बाय सम अदर पर्सन एंड दैट इज एडमिसिबल. नेक्स्ट इज 26, अनिल सो एन एक्सीडेंट एंड नरेटेड द स्टोरी of it to his wife. Anil and his wife were both called in court where Anil gave an account of it to the court. His wife stated that she was told by her husband. This is only a hearsay evidence. ये rest time में नहीं आएगा because this is not recent tie. ठीक है, recent tie होना ज़रूरी है, मतलब recent होना ज़रूरी है. वो घर आया उसके बाद उसने बताया, तो that is only a hearsay evidence. Next is 27, when a person raises the plea of alibi then it negates which of the fact opportunity under section 7 of Indian Evidence Act या फिर motive under section 8 या फिर inconsistency of fact under section 11. अब section 11 में तो inconsistency जो है ही, तो उसको negate थोड़ी करेगा, ये motive को negate कर देगा. B is the answer. And it also negates section 7. So both A and B is the answer. Next is 28, judgment for the purpose of relevancy are two kind, judgment in rem and personam. Which section of the Indian Evidence Act deals with judgment in rem? Section 41. B is the answer. Next 29, when the court has to determine the question whether a particular document is signed by a certain person, then the court can determine by opinion of handwriting expert or fir by any person who is not an expert, who is acquainted with the handwriting of the person whose handwriting is in question. Yes. Evidence of writer himself by comparing handwriting in question with the proven handwriting. तो क्या आंसर रहेगा इसका? All of the above. D is the answer. Next 30. Which section of Indian Evidence Act empowers the court to decide when question shall be asked to witness and when witness can be compelled to answer? That is section 148. D is the answer. Next 31, which section of Indian Evidence Act provides for impeaching the credit of witness? Section 155. C is the answer. Next 32, which of the following statement holds true for the evidence under provision of Indian Evidence Act? Because a portion of evidence of a witness, देखिए यहाँ पर evidence of दोबारा लिखा हुआ है, इसको काट देंगे. The portion of the evidence of a witness is not applicable, entire evidence can be rejected. No.
जितना पोर्शन एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वेयर एविडेंस इज ऑफ कन्फ्लिक्टिंग नेचर द एविडेंस फेवरिंग द अक्यूज शुड बी एक्सेप्टेड। दिस इज करेक्ट, दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। वेयर टू व्यूज आर पॉसिबल द वन विच फेवरिंग द अक्यूज शैल बी adopted because prosecution has to prove the case beyond reasonable doubt and this would put the case in doubt. देखिए सी जो है ना, witness can be branded as liar, no, must always apply falses in uno, no, it is not applicable in India. आंसर क्या रहेगा इसका बी। नेक्स्ट 33, which section of Indian Evidence Act provides that a witness may while under examination refresh his memory. तो refresh memory कितने में है, 159 में, तो बी इज दी आंसर, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 34, विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 98 सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इट अप्लाइज इन केस ऑफ अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ वुमन चाइल्ड फॉर अनलॉफुल पर्पस। यस दिस इज ट्रू। इट अप्लाइज इन केस ऑफ अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन फॉर अनलॉफुल पर्पस, नो। इट अप्लाइज इन केस ऑफ एन अरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद रिस्टोरेशन ऑफ अ वुमन टू हर लिबर्टी, नो। सो आंसर क्या रहेगा इसका ए। नेक्स्ट 35, अभिजीत इज चार्ज अंडर सेक्शन 242 आईपीसी विद हैविंग बीन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, हैविंग नोन टाइम द पोजेशन इट बीइंग काउंटरफिट, द वर्ड फ्रॉडलेंटली बीइंग ओमिटेड इन द चार्ज। क्या वो मिसलेड हुआ है, नो। अप्लाइंग सेक्शन 215, इट अपीयर्स अभिजीत वाज इन फैक्ट मिसलेड बाय हिज ओमिशन, द एरर शैल बी रिगार्डेड एज मटीरियल। या फिर इफ इट अपीयर्स दैट अभिजीत वॉज डेलिबरेटली मिसलेड बाई दिस ओमिशन, द एरर शैल बी रिगार्डेड एज ए मटीरियल। अनलेस इट अपीयर दैट अभिजीत वॉज इन फैक्ट मिसलेड बाई दिस ओमिशन, द एरर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज मटीरियल। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 36, आशीष कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाय डे विद इंटेंट टू कमिट अडल्ट्री एंड कमिट्स इन द हाउस सो एंटर्ड अडल्ट्री विद भानुज वाइफ निशा। Applying section 220 CRPC, आशीष में भी चार्ज सेपरेटली विद एंड कमिटेड और द ऑफेंस। अब देखिए ऑफेंस ही पूछ लिए ना यहाँ पर, 494 तो बाइगेमी यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 496 भी नहीं, क्या आएगा 497, तो एक ही ऑप्शन बचा, फिर डी इज द आंसर। नेक्स्ट 37, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8 CRPC, देखिए चैप्टर भी पूछ लेते हैं किस चीज़ के लिए, प्रिवेंटिव इन देयर स्कोप एंड ऑब्जेक्ट आर एम्ड एट पर्सन हु आर इन डेंजर टू पब्लिक बाय रीजन ऑफ कमीशन by them of certain offences, the preventive magisterial jurisdiction constituting a power adjunct to executive authority, salutary if used in moderation and over sufficiently extended period, all of the above. D is the answer, all of the above. Next 38, which of the following section CRPC deals with evidence for prosecution, that is section 242. D is the answer. अब 39 में बताना है व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 83। इट पेनलाइज द पर्सन हु सीक्स टू अवॉइड हिज अरेस्ट अंडर वारंट एंड अगेंस्ट हुम ए प्रोक्लेमेशन इज इशूड अंडर सेक्शन 82। ऑलराइट, फॉर डिसोबीडियंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ही इनकर्स लायबिलिटी टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 174। यस, दिस प्रोविजन पुट एडिशनल प्रेशर अपॉन द एब्सकॉन्डर बाय डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज property with view to compel to obedience. Yes, it deals with rights of the person other than the proclaimed person in the attached property. No, this is not true. D is the answer. Next is 40, which of the following section of CRPC provides that certain judge and magistrate should not try certain offenses when committed before themselves, that is section 352. B is the answer. Next 41, which of the following is true with respect to section 125 CRPC? It is purely personal rights created by order of criminal court. Yeah, this is true. Only the maintenance to whom to be paid has got a personal interest, personal right in the matter. Next, there is no charge created on the property by the order of maintenance. Yes, maintenance cannot be held on alienated property. This is also true. So D is the answer. Next is 42, which of the following is true with respect to section 74. No other person except the police officer is competent to execute a warrant of arrest under an endorsement from another police officer. Next, an endorsement by designation will not make the warrant strictly legal. Both are true. C is the answer. 74 mein dekhiyega, ye likha hua hai wahin par. Next is 43, what is or are the necessary limitation to exercise the right of private defense? A, the right of private defense is not available if there is no sufficient time to recourse. तो वहाँ तो available होता ही है, तो ये wrong है.
मोर हार्म देन नेसेसरी कैन इवन बी कॉज नो दैट देर मस्ट बी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू पर्सन डैमेज द प्रॉपर्टी है दिस इज करेक्ट सी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 159 व्हाट इज 159 एफ रे देर मस्ट बी फाइव और मोर पीपल नो ओनली टू और मोर पीपल आर नेसेसरी मस्ट बी इन प्राइवेट प्लेस नो इन पब्लिक प्लेस दे मस्ट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस या दिस इज करेक्ट सी इज द आंसर नेक्स्ट 45 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इन सर्टेन ऑफेंसेज आर एटसेट्रा डेल्ट अंडर सेक्शन 228 ए बी इज द आंसर ऐसे क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द प्रोसीजर ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 128 बी इज कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में पूछा है ना ऑफेंस इज कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल ट्रायल बाय सेशन कोर्ट नॉट कंपाउंडेबल तो ऑल आर अनट्रू इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था 47 विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू सेक्शन 264 आईपीसी फ्रॉडलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग यस दिस इज ट्रू A is the answer. Next 48. The word illegal is applicable to everything. Which is an offense prohibited by law. Ground for civil action. Yes. D is the answer. Definition कहाँ लिखी गई है illegal की? Section 43 IPC. Next 49. Section 366 IPC deals with kidnapping, abducting and inducing women to compel her marriage. D is the answer. Next 50, competency of witness is dealt under section 118 Indian Evidence Act. B is the answer. 51, which of the following is a public document? Affidavits, yes. Private book deed recorded in the office of sub-registrar, that is, agar sub-registrar ke documents mein hai, toh that is public. Family register of village, that is also public. Toh all of the above, D is the answer. Next 52 section 32 evidence act comes into play when person whose statement is sought to be proved is dead cannot be found attendance cannot be procured without reasonable delay incapable of giving evidence all of the above D is the answer next 53 admission is positive act of acknowledgement or confession which is conscious and deliberate act and cannot be something which would be inferred admission is relevant and admissible because it is a statement against its maker a favor of proof evidence of truth all of the above D is the answer next 54 according to section 65 Indian Evidence Act the secondary evidence can be admitted in how many exceptional cases wahan par kitne likhe hue likhe hue 7 section 65 mein jahan par lost ho gum ho gayi destroy ho gayi jiske paas hai wo nahi de raha hai to wo sab wahan par likhe hue hain वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है एन डी एम सी पैन तो कितने हो गए 1 2 3 4 नोट फाउंड डिस्ट्रॉयड मिसिंग ठीक है तो इस तरीके से बनाया हुआ है आप भी बना सकते हैं इसको नेक्स्ट 55 व्हेन अक्यूज्ड पर्सन आर टेंडर एज देन इवन इन अ मर्डर केस इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू सेंड देम बियॉन्ड द हाई प्रिजन वॉल्स एंड फॉरगेट ऑल अबाउट देयर करेक्शन एंड इवेंचुअल रिफॉर्मेशन कौन सा केस था ये इंदर सिंह वर्सेस स्टेट सी इज द आंसर नेक्स्ट 56 मैकनॉटन केस किस पे था ये इंसैनिटी पर सी इज द आंसर एक्सीडेंट पर कौन सा है आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफंस नेक्स्ट 57 इन विच द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट टू और मोर पर्सन मस्ट बी पार्टीज टू सच एन एग्रीमेंट एंड वन पर्सन अलोन कैन नेवर बी हेल्ड गिल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर द सिंपल रीजन दैट कैन नॉट कंस्पायर विद वन सेल्फ तो केस कौन सा था ये इट वॉज सेड इन ए एंड सी तपन दास स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड हरदन चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सो दोनों ही ठीक थे ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं ए एंड सी नेक्स्ट 58 विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट तो आईपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट कहाँ पर मैंशन किए गए हैं ये मैंशन किए गए हैं चैप्टर 6 में ठीक है सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है सेक्शन 121 से 130 तक ठीक है तो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सेक्शन कौन सा है 121 असोल्टिंग गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लॉफुल पावर ये कौन सा सेक्शन है ये सेक्शन 124 फिर रेस्क्यूइंग ए स्टेट प्रिजनर सेक्शन 130 तो कौन सा नहीं है स्टेट ऑफेंस दैट इज सी सी इज द आंसर नेक्स्ट 59 व्हेन फाइव और मोर पर्सन यूज फोर्स और वायलेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट दैट इज राइटिंग बी इज द आंसर
कहाँ पर मेंशन है ये, दिस इज मेंशन इन 146 आईपीसी। नेक्स्ट 60, वेयर द स्लाइटेस्ट अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज टू द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन व्हेन एंड वेयर ही लाइक्स टू गो, विच इज द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस शैल एंश्योर, एडमोनिशन, राइटिंग, पनिशमेंट। दिस इज पनिशमेंट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट, फ्रैक्चर ऑफ बोन है यस, जॉइंट यस, हर्ट विच कॉज सिंपल बॉडीली पेन, सी इज द आंसर, ये नहीं है। सीवियर बॉडी पेन होना चाहिए एटलीस्ट 20 डेज वाला, ठीक है, बाकी सब ये ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। नेक्स्ट 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट 309 इज द वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एंड डिजर्व्स टू बी एफेस्ड फ्रॉम स्टैट्यूट बुक टू ह्यूमनाइज पीनल लॉज, ये कहा गया था पी रतिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 63, सेडिशन इज एन ऑफेंस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेंस्ट गवर्नमेंट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 64, एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल इवन इफ इट इज नॉट द पेनल्टीमेट एक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस दिस व्यू वॉज हेल्ड, इन ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट, बी इज द आंसर। Next 65, in which of the following cases it was held that where allegations are made by a political opponent who was the complainant, the magistrate should not per se draw an inference that the complaint has to be thrown out without taking any notice of the same. It was Prakash Singh Badal versus State of Punjab, B is the answer. Next 66, which of the following cases is not cognizable except upon the police report or a complaint made by an aggrieved person, having possession of counterfeit government stamp, no, resistance by a person to his lawful apprehension, no, subjecting married woman to cruelty, yeah, C is the answer. Next is 67, in which of the following cases death sentence by hanging in person has been held unconstitutional, that was Lakshma Devi case, Attorney General of India versus Lakshma Devi, C is the answer. Next 68, which of the following court issues warrant for execution of death sentence, B, court of session, B is the answer. In which of the following evidence given by a witness is not relevant in subsequent proceeding or later stage of the same proceeding, C, he refuses to give evidence, C is the answer. Baki jab dead hai, not found hai ya fir incapable hai to evidence mein aa jayega as per section 32. Next 70, under which of the following provision technical objection will not be allowed to prevail where substantial justice appear has to be done, section 167, B is the answer, last section of Indian Evidence Act. Next is 71, where dying declaration is made in one language but it is recorded by adequate magistrate in another language in the absence of doctor, such dying declaration, अगर देखिए जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम वैसा ही ट्रांसलेटेड है तो वो एडमिसिबल है, डॉक्टर की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो इज द आंसर, एक्सेप्टेबल एज एविडेंस। नेक्स्ट 72, इन विच द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट शूट टू किल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन फॉर वायलेशन टू प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 अल्ट्रा वायरस सेक्शन 144 एंड गोज अगेंस्ट आर्टिकल 21, तो केस वाज जयंतीलाल मोहनलाल पटेल वर्सेस एरिक रेनिनसन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 73, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द कम्यूट द सेंटेंस ऑफ डेथ टू एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी, दैट इज सेक्शन 54, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 74, शांति वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा आई लीडिंग केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, it is on dowry death, C is the answer. Next 75, in which of the following cases it was held that a child of 12 can be convicted of rape in India, Nagatung Kiang, B is the answer. Next 76, offenses relating to election and punishment therefore are provided in which section, 171A2I, ये I तक है, इसमें ऑप्शन क्लोज था जी तक बट ये आए तक है। नेक्स्ट 71, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमसाइड एंड मर्डर, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ अ सोल्जर, बींग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली,
कलेक्टिंग आर्म्स फॉर वेजिंग वॉर, दैट इज नॉन बिलेबल ऑफेंस. नेक्स्ट 79, मजिस्ट्रेट एक्सेप्टेड द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन केस इनिशिएटेड बाय लेडी ऑफिसर अंडर सेक्शन 354 एंड 504 विदाउट गिविंग ए रीजन. Therefore, despite the objections raised by the complainant, Supreme Court set aside the order and resolved the case, directing magistrate to proceed with the case in accordance with the section 210. To which of the following cases this fact belongs? This was case of Rupal Dev Bajaj versus KPS Gill. B is the answer. Next, section 80. When investigation against accused person cannot be completed within 24 hours of his arrest, then there is no ground for believing that accusation against him are well founded. What steps may not be ordered? यहाँ पूछा हुआ may not be ordered, ठीक है ना? To be released, to be remanded for period not exceeding 15 days, not exceeding 20 days, to be remanded for 7 days. तो C is the answer. 20 days का कोई provision नहीं है. पुलिस को सिर्फ आप maximum 15 days के लिए दे सकते हो custody. Next 81. Who of the following is competent to issue a letter of request to competent authority for investigation in a country outside India? DM या फिर DGP या फिर एनी क्रिमिनल कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो एनी क्रिमिनल कोर्ट, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 82. शरद चंद्र दे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा इज अ लीडिंग केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑन एस्टोपल, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 83. एन अनकॉर्बोरेटेड एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिस इफ इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कन्विक्शन is not legal. B is the answer. Because section 114 का illustration जो है वो ये कहता है कि it shall be always corroborated. Next is 84. What is the position of dying declaration if the person making it survives? तो it can be used under section 157. 32 में तो होगी नहीं because वो जिंदा है. तो B is the answer. Next is 85. Which is the leading case on confession? Queen Empress versus Babulal, C is the answer. Next 86. Which of the following is not related to common intention? It is R versus Tolson. ये किस पे है? This is on mens rea. Next 87. Which one of the following cases is related to the defense of insanity? 84 में कौन सा है? Arnold Walker White Wheat. It is R versus Arnold. A is the answer. McNaughton भी है और Arnold भी है. Next 88. For abduction, the abducted person should be below 16, below 18, या फिर insane of any age, D is the answer. Next 89. The following is not an exception to the rule of hearsay. ये सब जो हैं exceptions हैं, तो इस question को जो है delete कर दिया गया था. Next 90. Which section of Indian Evidence Act is based on Solus Populi as supreme lex? Section 123 D is the answer. Next 91. Search warrant in respect of a place includes search of a person present in or about that place. Does not include search of a person in or about that place. Yeah, if include search of a person in or about that place, only such person is suspected of concealing about his person article of which search is being made. Of which search is being made. C is the answer. This is 92. IT Amendment Act with effect from 27 October 2009, which amended the IPC section 164, substituted electronic signature to digital signature. A is the answer. Next is 93. Personation at election. कितने में है? 171 D में. D is the answer. Next is 94. Examination of person accused of rape by medical practitioner as inserted by Criminal Procedure Amendment 2005 has been provided under section 53A. B is the answer. Next 95. Choose the incorrect option. Ab incorrect kaun sa hai isme? Suspension of conviction. Commutation of sentence jo hai 433 mein hai. Appeal against acquittal 378 mein. Appeal against conviction 374 mein hai. Suspension of conviction kitne mein hai? That is in 389. 379 में क्या है? Appeal against conviction by High Court. तो A is the answer because incorrect बताना है यहाँ पर. Next 96. In a non-cognizable case, investigation made by police without the order of magistrate under section 155(2) CRPC, irregularity and magistrate has to proceed on report submitted. D is the answer.
1997 बी हैपन टू बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली ए फैक्शनल फाइट एंस्यूड ड्यूरिंग विच बी वॉज इंजर्ड एंड रिटायर्ड ऑन दिस साइड लेटर ऑन अ मैन वॉज किल्ड नाउ बी इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर एज ही सीज टू बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली एट अ टाइम व्हेन द मर्डर वॉज कमिटेड सो बी इज द आंसर केस कौन सा है ये एम्परर वर्सेज कबील 1998 ए नोज दैट बी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इन हिज हेड एंड ऑल्सो नो दैट इफ अ फीस्ट ब्लो इज गिवन टू बी ऑन हिज हेड इट इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ नोविंग इट ए गिवज अ फीस्ट ब्लो टू बी ऑन हिज हेड एंड कॉज डेथ ऑफ बी ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस ही हैड नॉलेज दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ बी बी इज द आंसर 1999 एन एम्प्लॉय डिडक्टिंग द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट फ्रॉम द वेजेस पेबल फॉर द क्रेडिट ऑफ द फंड डज नॉट डिपॉजिट द सेम विद द फंड इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग सी बी टी अंडर सेक्शन 405 बी इज द आंसर नेक्स्ट इज 100 ए वुमेन रैन टू वेल स्टेटिंग शी वुड जम्प इन इट बट वॉज कॉट बिफोर शी कुड रीच इट शी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस डी इज द आंसर कई लोग कहेंगे अटेम्प्ट टू साइड तो है ये नो जब वो एक्ट कर लिया मरने वाला और तब बच गया दैट इज एन अटेम्प्ट टू कमिट साइड तब तक जो है ये नो ऑफेंस है डी इज द आंसर सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पंजाब ADA 2016 का पेपर वन जो है वो पूरा डिस्कस कर लिया है अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो कोई सजेशंस हो कोई कमेंट करना चाहें आप कोई एडवाइस करना चाहें कोई क्वेरी हो आपकी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा बिकॉज इट विल गिव नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़ सो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पंजाब ADA 2016 का ही पेपर 2 तो देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को थैंक यू थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो